हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके बारह वाले वीर। हम जलंधर में रुके हुए थे तो यहाँ से अभी करते हैं अपनी राइड स्टार्ट। रात को रुक गए थे इसलिए हमने आगे से लेना टायर, बताएंगे आपको टायर अगर लिया तो। गाइस ढाबे से निकलने के बाद अभी हम चले हुए हैं जलंधर पहुँचने वाले हैं ट्रांसपोर्ट नगर में, तो वहाँ से लेंगे टायर। तो टायर शायर ले कर फिर तो अपने राइड कंटिन्यू करेंगे। तो चलो मिलते हैं आपके वहीं ट्रांसपोर्ट नगर में। और यहाँ से लेफ्ट दिल्ली और सीधा स्टेट है जो जलंधर सिटी में है। तो अपना यहाँ ट्रांसपोर्ट की तरफ और ये स्कूल बस, पहले इसको जाने देते हैं क्योंकि इनका स्कूल का टाइम है यार, किसी का टाइम नहीं तोड़ना यार हमारे को। तो चलो ट्रांसपोर्ट नगर में ही जाना है ना, मतलब जितने भी ड्राइवर भाई देख रहे हैं ना, बस उनको हम यही बोले यार, स्कूल बस हो गई, एम्बुलेंस हो गई, या कोई मतलब ऐसी गाड़ी है ना जो इमरजेंसी वाली है उसको छोड़ देना चाहिए। चाहे खुद बंदा दो मिनट लेट ही हो जाए ना, मतलब ऐसी गाड़ियों को छोड़ देनी चाहिए स्कूल बस, क्योंकि स्कूल ना टाइम से बंदे को, हमने भी चलाई स्कूल बस, हमारे को पता है फीलिंग, समझते हैं स्कूल बस को, मतलब क्या करना पड़ता है उनको यार, मतलब टाइम से पहले आधा घंटा पहले स्टूडेंट को स्कूल में सभी छोड़ने पड़ते हैं। जब भी इधर जलंधर में है हम ट्रांसपोर्ट नगर में, यहाँ से लेते हैं एक टायर तो फिर चले निकलेंगे अपने राइड कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं अभी टायर तो ले लेते हैं। तो गाइज ये ले लिया अपना टायर, अभी इस पे चढ़ाएंगे फिट करेंगे। और ये ट्यूब अपना वो वाला टायर दे दिया, तो क्योंकि ना टायर के साथ का ना बैलेंस बराबर नहीं था, आपको बताते हैं टायर। कार वाले भाई जाने दे, अभी जाते हैं गाड़ी के पास तो दिखाते हैं आपको टायर का क्या दिक्कत है ना, ये बिल्कुल गंजा हो गया हुआ है, अंदर वाला टायर पे माल है अभी, उसके साथ चलो बैलेंस जुड़ जाएगा और अपने टायरों की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कई बार कच्चे माल में गाड़ी लगातार दौड़ानी पड़ती है, तो फिर रेस्ट माल भी बढ़िया है, चलो उसके साथ जुड़ जाएगा। भाई इसे आज 23 तारीख है, आज सेकंड हैंड के टायर यहाँ पे मिल जाते हैं। और बाबू भी आ चुका है, तो ये अपने सामने गाड़ी का टायर शायर चढ़ा लिया हमने, अभी पिएंगे यहाँ पे चाय, यहाँ ढाबा फेमस चाय मिलती है जलंधर में, बहुत बढ़िया चाय मिलती है। और अपना ये पीछे सभी गाड़ियाँ, तो देखो पीछे ट्रांसपोर्ट नगर में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, 1440 भी एक खड़ी है वो दिल्ली नंबर की। भाई चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं, चाय शाय पी लेते हैं फिर चलते अपना, चलो फिर अपना करेंगे गड्डी में चलो। अभी हम चाय पी के आ गए हैं, अभी निकलते हैं अपनी जर्नी को करते हैं कंटिन्यू। तो ठीक है फिर बंदे रहना, अब आगे की जर्नी करते हैं स्टार्ट। चढ़ा दिया ना, टेंशन तो नहीं ना, कोई फ्री हो गया टेंशन के बगैर। तो यहाँ पे ये सामने टायर वाला था, यहाँ से फिटिंग करवाया। तो ट्रांसपोर्ट नगर को अभी बोलेंगे बाय बाय, अभी निकलते हैं फिर करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट जलंधर से आगे। यहाँ से जलंधर अमृतसर रोड जाता है बस पुल के नीचे से,
तो यहाँ से पुल के नीचे से अभी हम टर्न करेंगे, ऊपर लिखा है अमृतसर जलंधर, तो हमने इस रोड पे घूमना है, दिल्ली वाले रोड पे। ये पुल के नीचे कुछ ऐसा व्यू है, यहाँ पे ईंटों वाला ट्राला गया, ये आगे ईंटें लोड है इसमें। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, through my shadow. Through the sun rays and the राइड अपनी कंटिन्यू हुई है, पहुंच गए हम लुधियाना में। ये देखो लुधियाना, इधर सिटी, इधर का टाउन का कुछ नज़ारा, और इधर दोनों साइड में यहाँ पे गुरुद्वारा सामने। और हम ओवर ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं क्योंकि हमने उधर पार्क किया, अभी जाएंगे उधर। ट्रांसपोर्ट है अपने चहल भाई की, निशान भाई की ट्रांसपोर्ट में, तो अपने दो गाड़ियां यार जम्मू की, उनका जुगाड़ लगवाएंगे यार, बहुत दिन से खड़े हैं बेचारे, तो उनका जुगाड़ लगाते हैं, तो चलो बताएंगे आपको उधर जाके। ऊपर ये अभी है, ये रही अपनी चहल ट्रांसपोर्ट, ये लिखा बोर्ड, तो अपना गाड़ी काफ़ी भर के यहाँ से निकलेंगे हम। तो गाड़ी तो हमने भर ली हुई है, अपने दूसरे पहियों का जुगाड़ लगवाते हैं, चलो मिलते हैं। चल ट्रांसपोर्ट से आ गए हैं वापस, तो अभी भाई ने चाय शाय पिलाई है, बढ़िया आराम से बैठ के उधर कंपनी में चाय पी के आए, तो गाड़ियों की बात भी कर दी। अब वो गाड़ी वाले आएंगे अपने भाई, रात को लोड, कल लोड करवा देगा उनको। खन्ना मार्केट है नीचे, ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं हम, पहले नीचे से जाया करते थे जब रोड नहीं होता था, ये फ्लाई ओवर पहले नहीं बने हुए थे। अभी देखो क्या मस्त लग रहा है, मतलब बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और बस ऑलमोस्ट क्रॉस ही कर दिया हमने खाना। तो मिलते हैं गाइस आगे, जहाँ पर रुकेंगे चाय शाय पियेंगे कहीं, तो फिर वहीं पे मिलते हैं। फिलहाल अपनी जर्नी कंटिन्यू हुई है, ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं, और इधर दोनों साइड देखो मस्त व्यू है। आगे रुक जाएंगे क्योंकि हाइट ज़्यादा है ना, हम हरियाणा में जब यहाँ से अभी 60-70 किलोमीटर है हरियाणा स्टार्ट होगा, जहाँ से वहाँ तक चलेंगे राजपुरे तक, तो वहाँ पे रुक जाएंगे फिलहाल, क्योंकि वहाँ से रात को जाएंगे। हाइट है ना हरियाणा में बहुत तंग करते हैं। इधर देखो ये हरियाणा, ये सरहंद वाला बस स्टैंड, तो फाइनली गाइस अभी सरहंद क्रॉस करके आगे जो मुल्तानी ढाबा आता है वहाँ पे अभी पहुँच गए अपनी गाड़ी, और यहाँ पे सामने पीछे मुल्तानी ढाबा है, ये खाते खाना शाना टाइम हो गया है 3, सुबह हमने नाश्ता किया था मतलब 10-11 बजे ना, अभी लग गया फिर भूख, तो चलो अभी जाते हैं अंदर ढाबे के। यहाँ पे अपनी कश्मीरी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं देखो दोनों साइड, उधर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पे भी अपने नहा धोकर फिर खाते हैं खाना शाना। ड्राइवर भाई हंस रहे हैं, पता नहीं सोच रहे होंगे क्या कर रहा है। चलो पहले इधर बाथरूम शॉप में मैंने नहाने का देखते हैं प्रोग्राम, अपना नहाना धोना हो गया गाइस, फ्रेश हो गए हैं नहा धोकर, तो बस अभी खाना शाना खाते हैं, तो फिर थोड़ी देर रुक लेंगे घंटा 2 घंटे, टाइम अभी 3:30 हो गए,
5-1 बजे निकल पड़ेंगे, तब तक शाम हो जाएगी। फिर हरियाणा में टेंशन नहीं है, लाइट लग जाएगी ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये देखो बाहर और गाड़ियाँ खड़ी हैं, अपना कश्मीरी गाड़ियाँ ये सामने, और इधर भी खड़ी हैं, पीछे भी दोनों हमारी गाड़ी के पीछे इधर भी खड़ी हैं दोनों साइड में। तो अभी हम चलने लगे, अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं यहाँ मुल्तानी ढाबे से। तो अभी जाएंगे सीधा हरियाणा में ना, हाइट वाली गाड़ी को रिक्स ही रहता, इसलिए ये देखो हाइट था इसलिए। तो अपना करते हैं कंटिन्यू ड्राइव, तो चलो चलते हैं फिर। निकलने के बाद अभी हम राजपुरा कर रहे हैं क्रॉस, तो हमारे को ये गाड़ी वाला कर रहा है ओवरटेक, लेकिन क्या करें आगे इसके गाड़ी है, ये कहाँ से करेगा ओवरटेक। फिलहाल हम लेते हैं इससे ओवरटेक, इस गाड़ी वाले से, ये भी लेन से ओटी चल रहा है, तो इसको कर दिया हमने ओवरटेक। और यहाँ आगे बस राजपुरा क्रॉस करते ही शंभू बैरियल आएगा, वहां से आगे हरियाणा स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ अभी यहाँ पे रुके हैं राजपुरा क्रॉस करके शंभू बैरियल से पीछे, ये सामने एक कश्मीरी ढाबा है, यहाँ पे मिलती है नमक वाली चाय, नमकीन चाय। तो सब्जी सुब्जी भी यहाँ से पकड़ लेते हैं, खाना अपना बनाएंगे। यार ढाबे का खाना कुछ अच्छा नहीं लगता यार, बनाएंगे अपना खाना शाना। यहाँ पे पेट्रोल पम्प भी है HP का, तो अपना वो गया है, इश्तियाक गया है लेने के लिए, लेके आए फिर चलते हैं। तो गाइस फाइनली अभी वहाँ से निकलने के बाद हम चले हुए थे, तो अभी ये आ गया हरियाणा का गेट, बहुत ही मस्त लग रहा है। हरियाणा की पहचान मतलब यहाँ से, मतलब क्या डायमंड लगाए हुए हैं, पता नहीं क्या डायमंड की तरह लगता है चमकता हुआ, और दोनों साइड में लाइटें ही लाइटें, देखो क्या मस्त लग रहा है ये हरियाणा, वेलकम टू हरियाणा। तो पहुंच गए हरियाणा में, अभी यहाँ से आगे एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा, क्योंकि हाइट वाला माल है ना, इसलिए दिक्कत है। आगे टोल प्लाजा, यार ये टोल की समझ नहीं आ रही है, जो अभी पीछे घटा के आए, मतलब 15-20 किलोमीटर सफ़र नहीं है फिर टोल प्लाजा, समझ से बाहर है यार इनके टोल प्लाजे भी, मतलब हर 20-30 किलोमीटर बाद कम से कम 50-60 किलोमीटर होना चाहिए टोल प्लाजे का डिस्टेंस। ये आ गया टोल प्लाजा, आप देखते हैं यहाँ भी लगेगा, और ये गाड़ी का लोड मेरे को लगता है इस साइड में ज़्यादा है ना, इस साइड दबी हुई है ज़्यादा, है मेरे को लग रही है या है ही दबी हुई है। जम्मू की गाड़ियाँ इधर बहुत चलती हैं। अभी पानीपत क्रॉस करके अभी आगे आएगा हमारे को मुरथल, ये जम्मू के हमारे ज्ञानी जी चल रहे हैं। तो अपने अपने मतलब सफ़र के लिए सभी चले हुए हैं, तो अपनी गाड़ी को पता नहीं लगता लोगों को कि जम्मू की गाड़ी है ये, वो मतलब जैसे जम्मू की गाड़ी आम पता लग जाता है, LP गाड़ी या और कोई होगी जैसे, तो ये भी जम्मू वाली गाड़ी है, इसको भी कर दिया हमने ओवरटेक। तो अपनी गाड़ी का क्यों नहीं पता लगता ना, इसलिए कि अपने केंटर गाड़ी है, तो किसी को पता नहीं लगता ये पंजाब की है, हरियाणा की है, कहाँ की है। तो लाइटें लगी हुई हैं, धुंध भी पड़ी हुई है, धुंध बहुत पड़ी है, ये देखो बड़े बड़े होटल हैं। तो चलते हैं गाइस अपनी जर्नी, बस वहीं जाके खाना छाना खाएंगे टिकरी बॉर्डर में, तब तक नो एंट्री भी खुल जाएगी, 11 बजे खुलती है ना वहाँ से नो एंट्री। ये देखो भादरगढ़ से होके जाना पड़ेगा हमारे को। तो गाइस फाइनली हम अभी पहुँच चुके हैं, रात का बज गया है 1:30, तो पहुँच गए हम दिल्ली में टिकरी बॉर्डर क्रॉस करके। जैसे ही दिल्ली एंटर होते हैं तो ये PVC मार्केट है, यहाँ पे हम खड़े हैं कांटे के पास, सामने पार धर्म कांटा भी है, एक गाड़ी और खड़ी है यहाँ पे। तो हम अभी खाना शाना फिर
तो खाना शाना खाते हैं फिर सो जाएंगे। तो गाइज आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।